वेलकम टू शिमला। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ शिमला, कुफरी, ये सारे हिल स्टेशन है हिमाचल में। तो वो सारे प्लेस आज हम लोग विजिट करने वाले हैं एंड मैं भी वो सारे प्लेस आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माई नेम इज़ माही एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग आए हैं शिमला में विथ फैमिली, तो दिस इज माई ब्रदर। तो आज हम लोग शिमला विजिट करेंगे और इसका एक ब्लॉग भी मैं बनाऊंगी और मैं हमारा फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलवाऊंगी। तो देखते रहिए आप लोग हमारा ये ब्लॉग। ओके, तो हम लोग स्टार्ट हुए थे गुड़गांव से 9:30 और 10 तक हम लोग निकल चुके थे रात को। फिर रात को 11-12 बजे हम लोग थोड़ा सा चाय कॉफ़ी ब्रेक लिए थे मुरथल में। तो मुरथल में हम लोग ये प्लेस पे गए, वहाँ पे बहुत ही सुंदर फ्लाइट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, आप उसके अंदर जाके चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। एंड दिस इज़ माई यंगर ब्रदर, सो जो थोड़ा कैमरे के सामने कूल बनने का ट्राई कर रहा है बट जो बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम यूज़ करके चाय कॉफ़ी पी के फिर हम लोग निकल गए हिमाचल के लिए। तो हिमाचल पहुँचने में हम लोगों को टाइम लगा था 6 to 7 hours। तो सुबह सुबह हम लोग पहुँचने वाले थे हिमाचल। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हिमाचल। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग सुबह सुबह ऑलमोस्ट 6:30 तक पहुँच चुके थे हिमाचल। फिर हम लोग वहाँ पे चेक इन वगैरह किए, हमारा बुकिंग था आपका मैल रोड पे ही बुकिंग था। तो वहाँ पे हम लोग चेक इन वगैरह किए, फिर सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए गए। तो हम लोग जहाँ पे रुके थे उसका थोड़ा मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करती हूँ। सो दिस इज़ माई मदर इन लॉ और दिस इज़ माई यंगर ब्रदर एंड मेरे हस्बैंड भी थे साइड पे और अनदर वन इज़ माई ब्रदर इन लॉ। तो हम लोग 5 जन मिल के गए थे और फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। ब्रेकफास्ट पे था पूरी, फिर ब्रेड्स वगैरह था, बहुत कुछ था। सुबह सुबह फिर हम ब्रेकफास्ट करके उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे घूमने के लिए। गाड़ी निकालो। सो हमारा बुकिंग जहाँ पे था वहाँ पे ये भैया भी थे, तो इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। भैया इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वीडियो देख रहे हो। तो फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए। वहाँ पे रोड्स बहुत ही स्टिफ था, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से हम लोग माइल रोड तक कार से आए थे। तो देख सकते हैं आप बहुत ही स्टिफ रोड था। तो इससे हम लोग थोड़ी देर जाने के बाद हम लोग उतर गए क्योंकि वो ऊपर जा नहीं रहा था। फिर हमारे साथ थोड़ा इंसिडेंट हुआ, मेरी मदर इन लॉ उन्होंने डॉग के पॉटी के ऊपर पैर रख दिया, तो उसका मैंने गलती से रिकॉर्ड कर लिया। मैं इस वीडियो पे रखना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा क्यूट मोमेंट है, तो देखते रहिए। আজ আমাদের দিনটা খারাপ, কি করবে জুতো জল এখন পাবে কোথায়? আরে পাদের একটু ধুয়ে নেবে এই রাস্তাটা তাও ভালো, ওইটা একটু বেশি স্টিপ। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं कुफरी में, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह और एप्पल गार्डन वो सब विज़िट करने के लिए। और यहाँ पे वो पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होता है आई थिंक, देखते हैं हम करेंगे या नहीं। तो आप उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये हमारा हॉर्स इधर रेडी हो रहा है, दिखा दो इस तो अभी हम लोग हॉर्स राइडिंग करके जाएंगे एप्पल गार्डन में। तो मैं वो सब आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, तो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ उधर, साथ में चलिए।
तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी थे। आई थिंक 750 रुपीस में आप बहुत टाइप का मतलब बंजी जंपिंग, फिर क्लिप जंपिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। फिर एप्पल गार्डन था, टेलीस्कोपिक पॉइंट था, वो सब भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए जा रहे हैं अभी, फिर चलते हैं देखते हैं क्या है उसमें। ओके गाइस, तो अभी हम लोग कुफरी में, ये कुफरी है ना, कुफरी में हम लोग घोड़े पे मतलब हॉर्स घोड़े सवारी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 7 लोकेशंस है वो हम लोग विजिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा घोड़ा और सामने मेरा भाई है। तो देखो बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को घोड़े का सवारी करते हुए। माय गॉड, बहुत मतलब रोड बहुत कीचड़ कीचड़ सा है, उसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं। अरे पीछे देखो, पीछे, ओह माय गॉड, मजा आ रहा है। लेकिन अरे हमारे घर वाले के साथ हमें थोड़ा लेके चलते ना। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ से लेना, यहाँ से, यहाँ से। अरे ऐसे तू मेरे साथ ना। मैं तो पास जाऊँगी। हम जरूर पास पास। देखो ये फर्स्ट प्लेस रखा है, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस। तो अभी हम लोग आए हैं फर्स्ट प्लेस में, सॉरी फर्स्ट प्लेस। तो ये है क्या, टेलीस्कोपिक पॉइंट है। तो यहाँ पे टेलीस्कोप से शायद कुछ देख पाएंगे। हम टेलीस्कोप नहीं लेके आए, तो पता नहीं क्या पॉइंट है, जाके देखते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या पॉइंट है। पर यहाँ पे वेदर बहुत ही मस्त है। कुछ नहीं, तू इधर है, हम उसमें वो जीप से खाली व्यू और एक एक ओके। तो दिस इज वन काइंड ऑफ व्यू पॉइंट जहाँ से आपको थोड़ा ऐसे माउंटेन्स का रेंज वगैरह, क्लाउड वगैरह बहुत अच्छे से दिखेगा। ऐसे कुछ टेलीस्कोपिक पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, बस माउंटेन ही देख सकते हो आप। फिर हम लोग अभी जाने वाले हैं एप्पल गार्डन विजिट करने। उसके लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साउंड मिल रहा है ना, ये सारे इंसेक्ट्स है मतलब पहाड़ के अंदर। तो ये भी मैंने जितना पॉसिबल हुआ कैप्चर करने का ट्राई किया, क्योंकि ये भी मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए अभी जाते हैं एप्पल गार्डन विजिट करने। बहुत बढ़िया एप्पल रहेगा, गोल्डन एप्पल खाइए, मीठा एप्पल खाइए। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं एप्पल ट्री देखने। तो यहाँ पे मेरे सर के ऊपर सारा एप्पल ट्री है। मैं फर्स्ट टाइम एप्पल ट्री देख रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ऐसा है एप्पल ट्री, देखो देखो। ये पूरा एप्पल ट्री का गार्डन है यहाँ पे, तो ये भी आप लोग विजिट कर सकते हैं कुफरी में आके।
आज डे टू है हमारा शिमला में एंड सुबह सुबह ही हम लोग आए हैं शिमला में मैल रोड विजिट करने, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी हम लोग ये जो थ्री इडियट्स वाला मूवी है ना उसके पॉइंट पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक थ्री इडियट्स का शूटिंग हुआ था, तो वो हम लोग सुबह सुबह विजिट करेंगे, उसके बाद किसी और जगह पर हम लोग चले जाएँगे। तो आप लोग पहले वो मैल रोड कैसा होता है शिमला का वो इन्जॉय करिए, फिर हम लोग जाते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। गाइस तो हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं एंड आपको ये थ्री इडियट्स वाला जो चार्ज है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो चार्ज है ये भी आई थिंक थ्री इडियट्स के मूवी पे था, तो ये स्पॉट वही है थ्री इडियट्स वाला मूवी जहाँ पे शूटिंग हुआ था ना। ओके सो दिस इज द फेमस पॉइंट। गाइस तो अभी हम लोग हैं मैल रोड पे। मैल रोड पे अगर आप होटल बुक करते हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये जो पार्किंग है हमारे पीछे तो आपको इधर ही कार पार्किंग करना पड़ेगा, मतलब ऊपर अलाउ नहीं करते हैं कार, तो आप अगर लेके जाएंगे वहाँ पे तो आपको 2,000 रुपीज़ 3,000 रुपीज़ आई थिंक फाइन देना पड़ेगा। तो मतलब बेटर है कि आप यहाँ पे पार्क करें कार फिर ऊपर जा सकते हैं, ऊपर में आपका जो होटल वगैरह है उधर आप जा सकते हैं। तो ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन एंड दिस इज बॉन मॉनेस्ट्री। तो हम लोग शिमला से आए हैं, हमें रुकते हैं तो बॉन मॉनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो फिर आप लोगों को दिखाते हुए मॉनेस्ट्री कैसा है, उसके बाद हम लोग ये वीडियो एंड करेंगे क्योंकि इसके बाद हम सीधा घर ही जाने वाले हैं। तो ये बॉन मॉनेस्ट्री है, इसमें पहले भी मैंने एक बार आया है और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है। तो यहाँ पे आई थिंक छोटे छोटे बच्चे लोगों को ट्रेन किया जाता है जो आई थिंक मॉन्क जो होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स वगैरह भी हो रहा था, बहुत ही पीसफुल प्लेस था। तो फिर उसको विजिट करके हम निकल गए घर के लिए। ओके गाइस तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ शिमला में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत डिफरेंट रील लगाती हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही शिमला का वीडियो, अगर आप चाहें तो शिमला विजिट कर सकते हैं, मेरा गाइडलाइंस अगर जो है वो आप मतलब आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे तो आप वो भी कमेंट पे बता सकते हैं। तो आज के लिए मैं वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।